खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दक्षिण दिल्ली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का कैंपेन कैसे चल रहा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। जो देश में नामदार लोगों ने एक छवि खराब की थी पॉलिटिकल लोगों की, नेताओं की, उसको बनाने का काम 5 साल में मोदी जी ने अपने प्रोमिसेस को कंप्लीट करने में किया है, उसके कारण लोगों में जोश है। चड्डा ने आप ही की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा है कि मैंने अपनी डिग्री सार्वजनिक कर दी, आप और मोदी जी भी कर दी। मेरी डिग्री सार्वजनिक है, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी डिग्री है। पिछली बार भी इन्होंने अटैक किया है, पिछली बार इन्होंने अटैक किया था जब जितेंद्र तोमर की, तब मैंने डिग्री सार्वजनिक की थी और अब फिर कर दूंगा। आप आ जाओ, सारी डिग्री सार्वजनिक कर दूंगा, एलएलबी की भी और डीओ और बीकॉम की भी। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है और एक जनसभा की हम आपको तस्वीर देख रहे हैं। कुछ इसी तरीके से पूरा दिन रमेश बिधूड़ी अपने इलाके में जा जाकर लोगों के बीच जनसंपर्क में शामिल हो रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। चीखते चिल्लाते हैं नामदार, उनकी पार्टी के लोग। सिख की सर्जिकल तो पहले भी स्ट्राइक हुई थी, अरे भैया पिछले 20 साल में क्यों नहीं हुई? आप लोगों ने वोट की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हिंदुस्तान में आतंकवादियों को शरण देने वाले ऐसे सपोलों को जिंदा रखने के लिए आप हमारी सेना को अधिकार नहीं देते थे। ऐसे सांसद को फिर से लोकसभा में भेजिए जो हमारे क्षेत्र का विकास हो। दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में रमेश बिधूड़ी ने यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीते भी। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने युवा उम्मीदवार राघव चड्ढा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने नए और जाने माने चेहरे बॉक्सर विजेंद्र सिंह को। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। अब जनता को तय करना है कि वो नाम पर वोट देती है या फिर काम पर। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। Yeah.